पंडित रामा कृष्णा को विजयनगर की प्रजा के हृदय से निकालना होगा। जो लोग उससे प्रेम करते हैं वही लोग जिस दिन उससे घृणा करने लगेंगे उस दिन उसकी मृत्यु होगी। हम जब भी पंडित रामाकृष्णा को देखते तो हमें ऐसा लगता है कि उनके जैसे प्रकांड पंडित को पराजित करना असंभव है, किंतु उसके पश्चात आप आए महामात्य प्रलयंकर। आपकी उपस्थिति ने हमें यह विश्वास दिलाया कि कोई है जो हमारे पक्ष में, जो पंडित रामाकृष्ण का मुकाबला भी कर सकता है और उन्हें पराजित भी। आज हम इस भास्कर के बच्चे को ऐसा सबक सिखाएंगे जीवन भर नहीं भूल पाएगा। ये ताता बिना जब देखो तो मेरे प्रेम की कुंडली में शनि बनकर 7.5 लगाने को तत्पर रहते हैं। अब कैसे मिलूं मैं आम्रपाली से? राहु केतु भी आ गए, इन्हीं की कमी थी। अब लगता है शनि को भगाने के लिए राहु केतु की सहायता लेनी पड़ेगी। ये आप बस आप दोनों से थोड़ी सी सहायता चाहिए थी। बताओ। गुरुजी सब कुछ हो गया, अनर्थ हो गया। अरे अनर्थ तो अभी होगा, एक बार वो हमारे सामने तो आए। गुरुजी आपने जो हमें 20 स्वर्ण मुद्राएं दी थी ना, वो हम दोनों से। क्या तुम दोनों से? खो गई गुरुजी। अरे मूर्ख कहीं के, एक कार्य भी उचित प्रकार से नहीं करते हो। हमारी स्वर्ण मुद्राएं गिरा दी, कब, कैसे, कहाँ गिराई है? प्यारे गुरुजी, हम पर इतना पाग बबूला होने से अच्छा है कि आप हमारे संग चलकर उन खोई हुई स्वर्ण मुद्राओं को ढूंढने में हमारी सहायता करें। चल। ये मिठाइयाँ तुम लोगों के लिए लो, क्योंकि विजयनगर के लिए आज बहुत खुशी का दिन है। विजयनगर को भविष्य में सुयोग शासक मिलने वाला है। खाओ खाओ। तुम दोनों यहाँ से जाओ। हाँ, सियार के आगमन का समय जो हो गया है। अब हंसती रहोगी क्या? जाओगी? हाँ। ओहो, मैं तो तुम्हारे लिए मिष्ठान और पुष्प लाया था, किंतु बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। क्यों? मेरे समक्ष विश्व का सुंदरतम पुष्प खड़ा है और मैं उसी के लिए पुष्प ले आया। वैसे तो तुम्हारे पिताश्री ने भी अद्भुत कार्य किया है। ओ, बापू किसके हैं? अद्भुत पुत्र के अद्भुत बापू। ढूंढिए, यहाँ ढूंढ लिया, वहाँ भी ढूंढिए, मिल जाएगा। देखते हैं। हाँ, ढूंढते जाइए। हमने तो आज इन्हें कोई स्वर्ण मुद्रा दी ही नहीं। झूठ कहीं के, हमसे स्वर्ण मुद्राएं ढूंढवाते हो, हमसे, जबकि हमने तो तुम दोनों को आज कोई स्वर्ण मुद्रा दी ही नहीं। सच बताओ, क्या मामला है? मामला क्या है बोलो? भास्कर, बताओ हमें, मामला क्या है? ये पुष्प और ये मिठाई किस लिए? बताओ हमें। ये मिष्ठान खाने के लिए और पुष्प तुम्हारे सुंदर केश में लगाने के लिए। रुको! अरे इतना साहस! तुम हमारी पुत्री के केश में पुष्प लगाने की बात करते हो? नहीं नहीं नहीं, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। बचाओ पिताजी, इतना क्रोध अच्छा नहीं होता। तुमने गलत सुना है। मैं तो ये कह रहा था कि ये पुष्प मैं तुम्हारे केस के लिए लाया हूँ। माना नहीं, माना नहीं, बहुत जोर से लगेगी। अरे ताता, ताता नहीं, गुरुवर बोलो। ताता बोलो, गुरुवर, ताता गुरुवर बोलो, गुरुवर गुरुवर। आम्रपाली ये पकड़ो पकड़ो। सुनो, तुम वो बात तो देख लो जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। क्या बात दिखानी है? अरे बात क्या दिखाई जाती है, मूर्ख बात सुनाई जाती है। अरे हाँ तो सुन लो ना। बोलो। उसके पश्चात पीट लेना जितना पीटना है। आम्रपाली तुम घूम जाओ। क्यों क्यों क्यों? ये क्यों घूम जाए? अरे मैं तो तुम्हारे सम्मान का सोचकर घूमने बोल रहा हूँ कि कहीं तुम्हारा सम्मान लड्डू की भांति चूर चूर ना हो जाए। ठीक है मत घूमो, किंतु बाद में मुझे मत बोलना। नहीं पुत्री, तुम दूसरी ओर घूम जाओ, घूम जाओ, घूम जाओ, घूम जाओ, घूम जाओ। अब बताओ क्या बात है? हाँ। कुछ याद आया था? भास्कर! सुनो ना, बता दूं? नहीं बता दे तो। नहीं मैं बता देता हूँ। आम्रपाली चलो मेरे साथ। हाँ? किंतु कहाँ? हो तुम समझ नहीं रही हो। ताता आम्रपाली को बोलो ना वो मेरे साथ चले। हाँ पुत्री जाओ जाओ, शीघ्र यहाँ से जाओ जाओ। देखा, अब तो तुम्हारे पिताश्री ने भी आगे दे दी। चलो। हाँ धन्यवाद ताता। पंडित रामा कृष्णा! जेब क्यों परेशान कर रहा है बंधु? ए बंधु, क्योंकि तू विक्षिप्त हो चुका है। क्यों रानी से उलझ रहा है रामा? इतने वर्षों पश्चात विजयनगर आए हैं, शांति से नहीं रहने देगा बंधु। मुझे लगता है मैं भूल से किसी और के घर पर आ गया हूँ। इतना मान सम्मान मुझे मेरे ही घर पे, वो भी मेरी अम्मा और पत्नी द्वारा। रामा तू समझा नहीं, बलि देने से पूर्व ऐसे ही सत्कार होता है। अम्मा जो कह रही है उसे छोड़िए, हम जो कह रहे हैं वो सुनिए। मैं ठीक है ठीक है कह रही हूँ। अम्मा कह रही है उन्हें आप पे गर्व है और कह रही है कि आगामी 4 वर्षों में स्वामी राजा बन जाएगा, अतः इन 4 वर्षों में जितनी हो सके उसकी चापलूसी कर ले, जिससे कि जब वो राजा बने तो हमारा भला हो सके, प्रचुर मात्रा में धन जमा हो और मेरी बहू शारदा को खूब सारे स्वर्ण के आभूषण दे सके। ओहो हो हो, ये चाल चली है आपने पंडित रामा कृष्णा। अच्छा हुआ जो हमें ज्ञात हो गया कि आपकी योजना क्या है। राजभक्ति की आड़ में धन अर्जित करने की सोच रहे हैं आप। इतना परिवर्तन आ गया आप में पंडित रामा कृष्णा, लोभ ने आपके चरित्र का दमन कर दिया है। आपका कथन सत्य है गुरुवर, मैं लोभी हूँ, अत्यंत ही लोभी हूँ, किंतु मुझे धन का लोभ नहीं है, मुझे प्रजा के कल्याण का लोभ है, विजयनगर के संविधान की रक्षा का लोभ है। पूरे विश्व में विजयनगर को सर्वश्रेष्ठ राज्य का उदाहरण बनाने का लोभ है। वाह वाह वाह, फिसल गए तो हर हर गंगे, हर हर गंगे। हमने आपकी योजना सुन ली तो अब आप बातें बना रहे। एक वो आपका कुपुत्र है जो जब देखो हमारे निवास पर आकर हमारे विरुद्ध योजना बनाते रहता है, और एक आप यहां राज्य के विरुद्ध योजना बना रहे, किंतु हम आपको आपकी योजना में सफल नहीं होने देंगे। अब आप पुनः पुराने तथाचार्य को देखेंगे जो आपके हर कार्य पर दृष्टि रखेगा, आपके हर कदम पर आपके समक्ष खड़ा रहेगा। अब आप अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे पंडित रामकृष्ण, क्योंकि हम विजयनगर के हितैषी थे, हितैषी हैं और हितैषी रहेंगे। गुरुवर तुझे त्रास देगा। कभी कभी तो मुझे संदेह होता है कि इसका जन्म ही तुझे परेशान करने के लिए हुआ है। सावधान रामा, सावधान। महारानी सुलक्षणा देवी की, भाभी महाराज स्वामी की। महारानी सुलक्षणा देवी की, भाभी महाराज स्वामी की। महारानी सुलक्षणा देवी की। दरबार की कार्यवाही प्रारंभ की जाए। रानी माँ, राज दरबार की कार्यवाही प्रारंभ करने से पूर्व मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहो स्वामी। रानी माँ, मेरा एक मित्र है जो अपने पिता से बहुत परेशान है। हम राज दरबार में उसकी व्यथा रखना चाहते हैं। जैसे पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, उसी भांति भावी महाराज के गुण अभी से दिखने लगे। दरबार में पहले दिवस ही किसी त्रस्त मनुष्य की समस्या का समाधान कर रहे हैं हमारे भावी महाराज। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कहाँ है आपका वो मित्र? आओ भीतर आ जाओ। ये तो कन्या है। प्रतिभा, भयभीत ना हो, अंदर आ जाओ। इस राज दरबार में सबको न्याय मिलता है, तुम्हें भी मिलेगा। अपने समस्या का वर्णन करो। रानी माँ, ये लोग समीप के ही एक गांव में रहते, जिन्हें मैंने आदेश देकर यहाँ बुलवाया है। किंतु स्वामी, इनकी समस्या क्या है? प्रतिभा, कहो जो कहना है। वो मैं पुस्तक, वो विद्यालय। घबराओ मत, कहो ना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं बताता हूँ। प्रतिभा विद्यालय जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहती है। अध्ययन में इसकी रुचि है, किंतु इसके पिता इसे विद्यालय नहीं भेजना चाहते। इसका अध्ययन करना उन्हें प्रिय नहीं लगता, क्योंकि उनका मानना यह है कि कन्याओं को शिक्षा का अधिकार नहीं है। वो शिक्षा ग्रहण करके क्या करेगी? और आज मैं इस राज दरबार में प्रतिभा के माध्यम से यह प्रश्न उठाना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है कि कन्याओं को अध्ययन का शिक्षा का अधिकार नहीं है? आपका नाम क्या है? चारुदत्तम। चारुदत्तम जी, आप कृपया मुझे ये बताएंगे कि आपके पुत्र को शिक्षा का अधिकार है, किंतु आपकी पुत्री को शिक्षा का अधिकार क्यों नहीं है? क्योंकि पुत्री शिक्षा ग्रहण करके क्या करेगी? अंततः उसे गृहकार्य ही करना है, अतः उसे शिक्षा में नहीं अपितु गृहकार्य में दक्ष होना चाहिए। अरे ये क्या बात हुई? ये उचित नहीं है। पुत्र हो या पुत्री, उसे भास्कर, दरबार की कार्रवाई में बाधा मत डाल। देवी, आप तो इस कन्या की माता हैं। आपका इस विषय में क्या कथन है? पंडित रामा कृष्णा जी, उसका कथन क्या होगा? हमारे कुटुंब में महिलाओं को इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि वो अपनी राय दे सके। सत्यवचन, किंतु ये आपकी पत्नी है, क्या इन्हें अपनी राय रखने की थोड़ी सी स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? कुटुंब का भरण पोषण मैं करता हूँ, कुटुंब के लिए धन अर्जित मैं करता हूँ, अतः मैं जो कहूंगा वही होगा। ये क्या करती है? गृह कार्य करना, भोजन बनाना, जूठे पात्र धोना, वस्त्र धोना, यही करती है ना। जो कुटुंब चलाता है उसी का अधिकार होता है अपनी बात कहने का और उसका अनुसरण भी करवाने का। किंतु चारुदत्तम जी, स्त्री हो या पुरुष, पुत्र हो या पुत्री, अपना पक्ष रखने का अधिकार तो सभी का होता है ना। पंडित रामाकृष्णा जी, ये जो संसार है ना, बिना स्त्रियों के तो चल सकता है, किंतु बिना पुरुषों के नहीं चल सकता। यहाँ तक कि स्त्री अपने जीवन यापन से लेकर हर बात के लिए पुरुषों पर निर्भर होती है। हाँ, इनका कथन उचित है, बिल्कुल उचित है। स्त्रियों को हर बात की स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए। वैसे भी स्त्री करती क्या है? जन्म जन्मांतरों से रीत चली आ रही है कि समाज में पुरुष ही सर्वश्रेष्ठ होता है। पुरुष विहीन समाज स्वतः ही विलुप्त हो जाता है। राजगुरु के कथन से हम भी सहमत हैं। पिता का पूर्ण अधिकार है कि वो अपनी पुत्री को शिक्षा दिलवाना चाहता है अथवा नहीं। हमने उचित कहा ना? हाँ। हम भी राजगुरु जी और महामात्य जी के कथन से सहमत हैं। ये रीत तो सदियों से चलती आ रही है। बापू, तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे? स्त्रियों के साथ ऐसा अन्याय होता हुआ तुम कैसे देख सकते हो? रानी माँ, कन्या को स्वतंत्रता क्यों नहीं है? आप भी तो स्वयं के लिए निर्णय लेती है ना। हमारी बात अलग है स्वामी। हम आम स्त्री नहीं, अपितु एक महारानी, और एक महारानी के अधिकार आम स्त्री से भिन्न होते हैं। जो सामाजिक परंपरा है उसी का अनुसरण करना होगा। लेकिन ये तो भेदभाव हुआ ना। पंडित रामाकृष्णा जी, आप ही कहिए कि क्या उचित है और क्या अनुचित। जी राजकुमार, क्या है कि चारुदत्तम जी का कथन उचित है। हमारा जो समाज है वो एक पुरुष प्रधान समाज है। पुरुषों के अधिकार स्त्रियों के अधिकार से कहीं अधिक होते हैं। अतः कुटुंब के मुखिया को यह अधिकार होता है कि वो अपनी पत्नी अथवा पुत्री के विषय में जो भी निर्णय लेना चाहे ले सकता है। तो यदि ये अपनी पुत्री को शिक्षा नहीं दिलवाना चाहते तो इनके कुटुंब को इनका यह निर्णय स्वीकार करना ही होगा। बाबू, ऐसी सोच का समर्थन कैसे कर सकते हैं? आज का दरबार यहीं समाप्त होता है। महारानी सुलक्षणा देवी की, भाभी महाराज स्वामी की, महारानी सुलक्षणा देवी की, भाभी महाराज स्वामी की। हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि भास्कर और हमारे पिताश्री की सोच इतनी तुच्छ होगी। हमें तो सोच सोच कर ही क्रोध आ रहा है। ये पुरुष हम महिलाओं के विषय में ऐसा सोचते हैं कि हमें समानता का अधिकार नहीं, हमारा कोई महत्व नहीं। ये पुरुष अपने आप को समझते क्या है? हम महिलाओं को उनसे कम समझते हैं क्या? हमें बहुत क्रोध आ रहा है। हमने इतनी सारी वस्तुएं फेंक ली किंतु किसी भी वस्तु के टूटने की ध्वनि क्यों नहीं आई हमें? कितनी अप्रतिम वस्तुएं हैं और तुम अपने क्रोध की अग्नि में इन बेचारों को क्यों जला रही हो? किंतु क्यों? हम कह रहे हैं ना, सामना करो हमारा। आज हम सिद्ध करके रहेंगे कि हम महिलाएं तुम पुरुषों से किसी कार्य में कम नहीं। आओ, सामना करो हमारा। किंतु मैंने तो कुछ नहीं कहा ना आम्रपाली। कहा तो तुम्हारे पिताश्री ने भी कुछ नहीं था, किंतु हमें ज्ञात हो चुका है कि उनकी सोच कितनी तुच्छ है और हमें पता है कि तुम्हारी सोच भी तुम्हारे पिताश्री की ही तरह तुच्छ होगी। अरे तुम ये निर्णय कैसे ले सकती हो कि मेरी सोच भी उनकी तरह ही होगी? हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम्हारे पिताश्री, हमारे पिताश्री, सब पुरुष एक समान है। सबकी सोच बिल्कुल तुच्छ है। मेरी बात तो सुनो। हम कुछ नहीं सुनना चाहते भास्कर। हम कह रहे हैं ना, जाओ यहाँ से। अरे अरे मेरी बात तो सुनो। अरे सुनो। जाओ 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 जाओ। मेरे बापू का क्रोध तुम मुझ पर क्यों निकाल रही हो? मैंने थोड़ी ना कुछ कहा है। आम्रपाली, अरे सुनो तो सही। तुम यहाँ पर तुम यदि निर्लजता की कोई प्रतियोगिता हो तो तुम निस्संदेह विजयी होंगे। सर्वश्रेष्ठ निर्लज चुने जाओगे तुम। अरे हमारे इतना मना करने पर भी तुम हमारी पुत्री के समीप चले आए। तुम पिता पुत्र दोनों एक समान हो। भागो यहाँ से, भागो। जाओ यहाँ से, जाओ। हाँ जा रहा हूँ, नहीं दिखूंगा। किंतु तुमने जो राज दरबार में महिलाओं के विषय में बातें की है ना, तो तुम्हारी पुत्री को ज्ञात है। जाओ, सामना करो अपनी पुत्री का, तब पता चलेगा। जाओ। हाँ? ये क्या कह गया? पुत्री आम्रपाली, द्वार खोलो। हमें आपसे कोई वार्तालाप नहीं करनी। हे भगवान, लगता है कि हमारे दरबार में सत्य बोलने से रुष्ट हो गई है ये। शीघ्रता से सफाई करो। पंडित रामा कृष्णा, डूब जाओ डूब जाओ, लज्जा में डूब जाओ, डूब जाओ डूब जाओ। चुप करो तुम दोनों, नहीं करेंगे। डूब जाओ डूब जाओ, लज्जा में डूब जाओ, डूब जाओ डूब जाओ, लज्जा में डूब जाओ। ओ बस, क्या हो गया? क्या कर रहे हो? लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? एक पुत्र ही अपने पिता के विरुद्ध नारे लगा रहा है, हाँ? क्योंकि पिता ने कार्य ऐसा किया है। और इतना ही नहीं, हम दोनों तुम्हारे विरुद्ध आंदोलन भी करेंगे। क्यों स्वामी? हाँ। आंदोलन करोगे? हाँ। तो बाकी के और लोग कहाँ हैं? मात्र 2 जन आंदोलन करते शोभा नहीं देते भास्कर। और लोग क्यों नहीं आए? क्योंकि कोई आया ही नहीं। हम लोग तो गए थे सबके पास। तुम दोनों ने ये सोचा है कि यदि मैंने इतना ही अनीतिगत निर्णय लिया है तो बाकी के लोग तुम दोनों के संग मेरे विरुद्ध नारेबाजी करने क्यों नहीं आए? क्योंकि जनसाधारण की सोच यही है भास्कर कि समाज में पुरुषों का ही नियंत्रण होना चाहिए। आओ दिखाता हूँ, चलो आओ। अरे बेटा रुक तो जा, मैं सफाई तो कर लूँ, मैं तुम दोनों को संभालूँ या काम करूँ? ये देखो, आज हम अपने पुत्र को अच्छे वस्त्र दिलवाएंगे। अरे भाई शीघ्र भोजन पकाओ। देखा, समाज में ये स्थिति है महिलाओं की और ये स्थान है पुरुषों का। समाज में कन्या के जन्म को अभिशाप माना जाता है, कन्याओं को शिक्षा दिलवाना पाप समझा जाता है। पुत्रों का स्थान सर्वोपरि है और पुत्री का कोई स्थान ही नहीं। पुत्री चाहे कितनी भी योग्य क्यों ना हो, किंतु उसकी प्रतिभा का दमन कर दिया जाता है और पुत्र को सर्वोपरि बनाने में उनकी अपनी माताओं बहनों का हाथ होता है, जो स्वयं स्त्री होते हुए अपनी पुत्री को पुत्रों के आगे आने ही नहीं देती। मात्र उस कन्या को शिक्षा का अधिकार दिलाने से परिवर्तन नहीं आएगा भास्कर। परिवर्तन तब आएगा जब समाज की सोच परिवर्तित होगी। वो मैं करके रहूंगा और इस कार्य में तुम दोनों मेरी सहायता करोगे। विजयनगर के महामात्य जी अब तक निद्रा में लीन हैं। हम समझ गए, ऐसे नहीं उठेंगे महामात्य जी। उठिए विजयनगर के महाराज। कितना समझते हो तुम हमें, हमारे हृदय में क्या चल रहा है सब तुम्हें पता है। अच्छा एक बात बताओ, इस समय हमारे हृदय में क्या चल रहा है? मेरी परीक्षा ले रहे हैं आप? बात तो तुम्हारे मुख से जानना चाहते हैं। ठीक है। तो आपका हृदय ये कह रहा है कि आज पूरे दिन विश्राम करना चाहते हैं, आप हाथ पाँव दबाना चाहते हैं, स्वादिष्ट से भी स्वादिष्ट व्यंजन खाना चाहते हैं। इतना समझते हो तुम हमें। वैसे आपकी पत्नी चारुलता आपसे पहले ही जाग गई। अच्छा ही है, पत्नी को पति से पूर्व जाग ही जाना चाहिए। चलिए तो इसी बात पर पुकारिए अपनी दासियों को। आज आपकी ओर से भोजन की सूची मैं बताऊंगा। दिव्य लक्ष्मी, कमलेश्वरी, सुनंदा, शारदा, दिया इन सब ने मुझे, कोई सुनी नहीं रहा है। अन्यथा महामात्य के सुर में वो बल होता है कि युद्ध प्रारंभ हो जाते हैं, और यहाँ तक दासियां भी नहीं आ रही। कोई है? कोई है महल में? समझदासियां का हम लोग भी उन्हें ही ढूंढ रहे महामात्य, परंतु कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता? महल में एक भी दासी नहीं है। हो सकता है कोई कारण हो। हम चारुलता से पूछते हैं। वैसे भी महल में दासी हो ना हो, परंतु हमारे लिए तो हमारी पत्नी है, हमारी सेवा करने के लिए। अद्भुत है हमारी पत्नी भी, महारानी की बहन है, किंतु जरा भी दंभ नहीं है उनमें। हमारी एक आवाज पर भागी चली आती हैं। देखना दिखाएं। चारुलता, चारुलता, कहाँ है चारुलता? ज्ञात नहीं महामात्य। ये हो क्या रहा है? हमें दरबार जाना है। महल में ना दासियों का कुछ पता है, ना ही हमारी पत्नी का। ये सारी महिलाएं गईं तो गईं कहाँ? कहाँ चली गई सब दासियां? कल रात्रि में हमारे केश में मेहंदी लगाई गई थी, उसे धोने के लिए भी कोई दासी नहीं है। ओ ये कक्ष कितना अस्वच्छ है, मतलब साफ सफाई वाली भी दासी नहीं है। आज हमें किसी ने अल्पाहार भी नहीं दिया। इसका अर्थ ये है कि ये रसोई पकाने वाली भी दासी नहीं है। कहाँ गई सारी दासियाँ? अभी हमारे केश की मेहंदी कौन धोएगा? सैनिक! महारानी की जय हो। जाओ चारुलता को बुला कर लेकर आओ। महारानी, वो भी राजमहल में नहीं है, और सैनिक दासियों के निवास पे गए थे, लेकिन वो लोग वहाँ कहीं भी नहीं हैं। क्या? ये कैसे संभव है? क्या सारी दासियां हड़ताल पे गई है? जाओ, जाकर ये घोषणा करवा दो। यदि ये पहर समाप्त होने से पहले दासियां महल में वापस नहीं आई, तो उन्हें दंड दिया जाएगा। जी महारानी जी। आखिर सब दासियां गई तो गई कहाँ? प्रातःकाल से गाजर मूली खा कर ऐसा लगने लगा है कि हम भेड़ बकरी हो गए। हमने भी जुगाली करना आरंभ कर दिया है। आम्रपाली पता नहीं कहाँ चली गई है। भूख के मारे हमारे प्राण निकले जा रहे हैं। क्या करें? मंदाकिनी। मंदाकिनी हमें भोजन करवाएगी, गर्मा गर्म स्वादिष्ट भोजन करवाएगी। चलते हैं मंदाकिनी के निवास पर। मंदाकिनी तेरे द्वार खड़ा है जोगी, जो है तेरा प्रेम रोगी। घड़ी मिलन की आई, आजा आजा। हमने तो गीत भी गा लिया, मंदाकिनी ने अभी तक द्वार नहीं खोला। मंदाकिनी, अरे द्वार तो खुला है। मंदाकिनी को आभास हो गया होगा कि हम आ रहे हैं। महारानी की जय हो। महारानी, पहर समाप्त हो गया, किंतु अभी तक कोई दासी नहीं आई। क्या? जाके निलंबित कर दो उनको। महारानी, कोई आया ही नहीं है तो किसे निलंबित करें? जाओ। अब हमारे केश से ये मेहंदी कौन निकालेगा? हरकम कहाँ है? जुरानी का आदेश वही मेरा उद्देश्य। लीजिए महारानी, मैं आपके लिए इस महिला को उठा लाया हूँ। यह आपके केश की मेहंदी धो देगी। हरकम, ये तुम किसे ले आए हो? आपने तो कहा था कि आपके केश की मेहंदी धोने के लिए कोई महिला चाहिए, तो मैं इसे उठा कर ले आया। क्योंकि जो रानी का आदेश वही मेरा उद्देश्य। हरकम, इसलिए हम कहते हैं कि अपने मस्तिष्क का प्रयोग करो। जितने शक्तिशाली तुम हो ना, उतनी ही अल्पबुद्धि। जाओ और इन्हें सुरक्षित इनके घर छोड़ा। अरे अरे बाबा, क्या हुआ अम्मा? क्या कर रही हो? आग लग गई? अच्छा नहीं, माना मत। सो के उठे, नहाए धोए। हाँ, मैं भी स्नान करके ही आया हूँ। क्या हुआ तुम्हारे नाक में? अरे उठक बैठक क्यों करूं? मैंने कुछ नहीं किया है, मैं उठक बैठक नहीं करूंगा। अरे मार। बोलो, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। शारदा, शारदा कहाँ हो तुम? क्या, कौन, कहाँ, कब? कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे शारदा, शारदा कहाँ हो? बताओ क्या कह रही हैं? शारदा कहाँ है? अच्छा, तुम भी यही पूछ रही हो कि शारदा कहाँ है? हे लो, मुझे ज्ञात नहीं अम्मा, शारदा कहाँ है? ए बंधु! अरे रामा, कम से कम अम्मा को तो सत्य बता दे। तुझे पता है कितने डंडे खाने पड़ेंगे जब अम्मा को सत्य ज्ञात होगा। चुप कर बंधु, किसी से कुछ नहीं कहना है। मुझे सच में ज्ञात नहीं शारदा कहाँ है। मेरी शिखा की सौगंध। अरे मेरी झूठी सौगंध क्यों खा रहा है? मेरे प्राण संकट में डालते हुए लज्जा नहीं आती है क्या तुझे? अरे मत मारो, मत मारो, धोती धोती खुल जाएगी। मैं शारदा को ढूंढता हूँ और तुम्हें बताता हूँ। हाँ, जाओ तुम विश्राम करो। हाँ जाओ। बाप रे। ए बंधु! रामा, बता देना अम्मा को कि सत्य क्या है, शारदा कहाँ है। अरे सुनो भोला, तुमने मेरी पत्नी को कहीं देखा क्या? तुम्हारी पत्नी नहीं मिल रही और मेरी भी पत्नी नहीं मिल रही है, और मेरी तो माँ भी सुबह से कहीं दिखाई नहीं दे रही है। बेटा चुप हो जाओ, आ जाएगी माँ बेटा। हाँ बेटा आ जाएगी, आ जाएगी माँ। चुप हो जाओ बेटा, कहा ना आ जाएगी माँ। रामा, वैसे महिलाओं का महत्व समझाने के लिए तूने कार्य तो सराहनीय किया है। देखो कैसे इन पुरुषों की हालत बुरी हो गई है। अभी कहाँ हुई है बंधु, ये तो और होगी। आगे आगे देख होता है क्या। स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन तैयार करेगी। मंदाकिनी देवी यहाँ होंगी तभी तो आपके लिए बनाएंगी गर्मा गर्म स्वादिष्ट भोजन। क्या वो यहाँ नहीं है? गुरुजी मंदाकिनी देवी का तो पता नहीं, हम जब यहाँ आए तो हमने अपनी आंखों से देखा स्वादिष्ट भोजन का भंडार लगा हुआ था। हमने सारा भोजन समाप्त कर दिया। गुरुजी का क्या है, कुछ भी खा जाएंगे। गुरुजी काम कीजिए, वो कच्ची साग सब्जी रखी है ना, वही खा जाइए आप। गुरुजी आपके पास बस यही चारा है। ठहर जाओ तुम दोनों। हमें कच्ची सब्जी खिलाओ। चारा, चारा, चारा। अरे पंडित रामा कृष्णा, आप यहाँ मंदाकिनी के निवास पर? मैं भी यही पूछना चाहता हूँ गुरुवर, आप यहाँ मंदाकिनी के निवास पर? ओ हो 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 हो, पंडित रामा कृष्णा, आप यहाँ छिपते छिपाते आया करते हैं। आप भी से आपका क्या प्रयोजन है? वैसे मैं तो आपका पीछा करते हुए आया था, किंतु आप वो हम भी पीछा कर रहे थे। हम धनीमणि का पीछा करते हुए आए थे। आप पंडित रामा कृष्णा से झूठ क्यों बोल रहे हैं गुरुजी? आप तो यार मंदाकिनी देवी जी से मिल आए। पंडित रामा कृष्णा, आप तो हमें ये बताइए कि आप हमारा पीछा क्यों कर रहे थे? आपसे ये पूछने के लिए कि आम्रपाली कहाँ है। मुझे उसे एक आवश्यक कार्य है। आम्रपाली कहाँ है हमें ज्ञात नहीं। अरे कैसे पिता हैं आप, आपको यही ज्ञात नहीं कि आपकी पुत्री कहाँ है? अच्छा भास्कर कहाँ है? वो तो। अरे कैसे पिता हैं आप, आपको ज्ञात नहीं है आपका पुत्र कहाँ है? पूरी बात तो सुन लीजिए गुरुवर, वो तो घर पर है। अच्छा तो ठीक है, हमारी पुत्री जहाँ भी है सुरक्षित। कदाचित आपको ज्ञात नहीं है कि संपूर्ण विजयनगर की महिलाएं विलुप्त हो गई हैं। हाँ क्या? हमें तो समझ में नहीं आ रहा भरकम कि तुम हमारे केश में कंघी कर रहे हो या युद्ध भूमि में तलवार चला रहे हो। इससे अच्छा तो ये होता कि तुम तलवार चला लेते। भरकम ये तुम क्या कर रहे हो? आपने तो कहा था इससे अच्छा मैं तलवार चला लेता, तो बस मैं वही कर रहा हूँ, क्योंकि जो आपका आदेश वही मेरा उद्देश्य। यह हम क्या देख रहे हैं महारानी? क्या हो रहा है? भरकम, ये आप क्या कर रही हैं? तो क्या करें हम? आज महल में एक भी दासी नहीं आई है। न रसोई बनाने वाली दासी आई है, न साफ सफाई करने वाली दासी आई है, यहाँ तक कि हमारे श्रृंगार करने वाली दासी भी नहीं आई है। धन्यवाद कि आप हमारी सहायता कर रहे हैं। धन्यवाद कहकर हमें भी बहुत तीव्र भूख लगी है महारानी। क्षमा चाहते हैं महारानी, किंतु आपकी बहन चारुलता है ना, आलस्य की मूर्ति है। दासियां नहीं आई तो उन्हें कोई काम ना करना पड़े, इस हेतु वो विलुप्त हो गई कहीं, हमें मिली नहीं रही है। पति हैं हम उनके, उन्हें हमारे अल्पाहार की व्यवस्था करनी ही चाहिए ना, कर्तव्य है उनका। बस बहुत हुआ, ये समय व्यंग का नहीं है, अभी तो इस समस्या का निदान ढूंढने का। हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ये देखिए, बेचारे को इतनी भूख लगी है कि वो मटर के छिलके खा रहा है। वैसे अचरज की बात है महारानी कि एक भी दासी महल में नहीं है, कोई ना कोई कारण तो है। महारानी की जय हो। महारानी, पंडित रामा कृष्णा जी आपसे भेंट करने आए हैं। हाँ? हमसे भेंट करने? एक भी दासी नहीं आई है आज, और ऐसे में पंडित रामा कृष्णा को अभी आना था। पंडित रामा कृष्णा जी, यहाँ आने का प्रयोजन? पंडित रामाकृष्णा जी, ये क्या सभ्यता है? क्या कर रहे हैं आप? सभ्यता नहीं महामात्य, अभी तो इतनी अवधि के पश्चात किसी महिला को देख रहा हूँ तो मन में संशय है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये भी विलुप्त हो जाए। पंडित रामाकृष्णा जी, आप अपनी मर्यादा लांघ रहे हैं। नहीं नहीं महारानी जी, मुझे क्षमा करें। बात केवल इतनी सी है कि संपूर्ण विजयनगर में एक मेरी अम्मा और एक आपके अतिरिक्त और कोई स्त्री दिखाई नहीं पड़ रही। नहीं, एक और महिला है, सिरमणि काकी, इनकी आयु 100 वर्ष की है। मैं उनको भी उठाकर लाया था क्योंकि जुरानी का आदेश, वही मेरा उद्देश्य। नहीं चाहिए हमें खिलौने, हमें भूख लगी है। इनसे हमारी भूख क्या शांत हो जाएगी। रानी माँ, कह दीजिए इनसे कि ये सब यहाँ से चले जाए और हमारे लिए भोजन का प्रबंध करे, हमें बहुत भूख लगी है। स्वामी, आपको भूख लगी? हम अभी आपके लिए भोजन का प्रबंध करते। अभी अभी हम मटर छिलके आए थे, हम आपको मटर देंगे। जाओ मटर लेकर आओ। मटर? हाँ। नहीं, हमें स्वादिष्ट अल्पाहार खाना है। अभी क्या अभी, इससे समय, सारी दासियां कहाँ हैं? हमें कोई भोजन क्यों नहीं दे रहा? मुझे शीघ्र चाहिए, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे अल्पाहार चाहिए। अभी क्या अभी, इससे समय। हाँ, मेरे बच्चे अकेले हैं, मेरे बच्चे भूखे हैं। पंडित रामाकृष्णा के कहने पे हम सब यहाँ आ तो गए हैं, किंतु कितनी देर तक हमें यहाँ रुकना होगा? हमारे पिताजी और हमारा भाई भी भूखे हैं, हमें भी उनकी याद आ रही है। मैं अब और नहीं रुक सकती। हाँ, मैं भी नहीं रुक सकती। पता नहीं मेरे पति कैसे अपना घर संभाल रहे होंगे। चलो चलो, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। चलो चलो। रुक जाइए, रुक जाइए आप सब, रुक जाइए। ये लीजिए, मैं तो इस विषय पर आपसे विचार विमर्श करने आया था कि विजयनगर की सारी स्त्रियां कैसे लापता हो गईं और उन्हें कैसे ढूंढा जाए किंतु यहाँ आकर प्रतीत हो रहा है कि इस समय अति महत्वपूर्ण विषय ये है कि राजकुमार को भूख लगी है। कोई बात नहीं महारानी जी, सर्वप्रथम आप राजकुमार के लिए भोजन पका ले, मैं उसके पश्चात आ जाऊंगा। बताइए स्वामी, आप क्या खाना पसंद करेंगे? आपकी रानी माँ स्वयं अपने हाथों से आपके लिए आज भोजन पकाएंगी। सत्या? हाँ। रानी माँ, तो फिर मैं उत्तपम, इडली, रसम सब खाऊंगा। बस करो, हम भोजन नहीं पकाएंगे। पंडित रामा कृष्णा जी, आप हमें नहीं कहेंगे कि हमें भोजन पकाना है या नहीं। मत भूलिएगा, हम यहाँ की महारानी हैं। क्षमा करें महारानी जी, कदाचित आपको भोजन पकाने का अभ्यास नहीं होगा, इसलिए। कोई बात नहीं स्वामी, आओ मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलता हूँ। हाँ, हम चलकर लोगों के घर में जाकर ढूंढेंगे, किसी ना किसी के यहाँ तो रात्रि का बचा हुआ बासी भोजन मिल ही जाएगा। किंतु चिंता का विषय ये है कि प्रजा क्या सोचेगी कि महारानी के होते हुए उनका पुत्र लोगों का झूठा बासी खा रहा है। किंतु प्रजा जो भी सोचती है सोचने दीजिए, जो भी कहती है कहने दीजिए, हमें उससे क्या। राजकुमार को भूखा तो नहीं रखा जा सकता ना स्वामी, चलिए। रुकिए, आप विजयनगर के हितैषी हैं, राजकुल के विश्वास पात्र हैं, अतः हम आपका सम्मान करते हैं। किंतु सम्मान भी मर्यादा के अधीन होता है, स्मरण रखिएगा। आज के बाद आप हमें कभी ये नहीं कहेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। क्षमा करें महारानी, किंतु मैं तो मात्र ही। पंडित रामकृष्ण जी, आपको ज्ञात नहीं है कि मेरी रानी माँ मुझे कितना प्रेम करती है। वो मुझे भूखा देख ही नहीं सकती, अवश्य वो मेरे लिए अल्पाहार बनाएगी और मुझे अपने हाथों से खिलाएगी। आप सत्य कह रहे हैं राजकुमार, आपकी रानी माँ आपके लिए अवश्य भोजन बनाएंगी। चलो चलो। रुक जाइए, मेरे बापू ने आप सबके सम्मान के लिए ऐसा किया है, यहाँ से जाकर कृपया इस कार्य को विफल ना करें। और अपने बच्चों के लिए आप कतई चिंतित ना हो, वो भूखे नहीं है, मैंने स्वयं अपने हाथों से उन्हें भोजन करवाया है। देखो मैं कितना स्वादिष्ट भोजन लाया तुम्हारे लिए, खाओ। काका भोजन खाइए। आपके पति जिनकी आप सबको इतनी चिंता है, उन्हें आपकी अनुपस्थिति में आपके ना होने का महत्व तो ज्ञात होने दीजिए। नहीं नहीं, हम अपने पति को कष्ट में नहीं डाल सकते। हाँ जो भी हो, हमारे पति हैं वो। हाँ हाँ, पति है वो तुम्हारे, वो पति जिसने कभी भी अपनी पत्नी का सम्मान नहीं किया, वो पति जिसने सदैव अपनी पत्नी के साथ दासी जैसा व्यवहार किया है, वो पति जिसने कभी भी अपने पत्नी की खुशी के विषय में नहीं सोचा, वो पति जिसने सदैव अपनी पत्नी का अपमान किया। आज जब उस पति को पाठ पढ़ाने का समय आया है तो आप सब पीछे हट रहे हैं। मत भूलिए कि मात्र आप एक माँ, बहन, बहू, बेटी, पत्नी ही नहीं, अपितु आपका स्वयं का भी एक अस्तित्व है। आज सब महिलाओं के स्वाभिमान की लड़ाई है और आप सब इतनी आसानी से पराजित हो जाना चाहती हैं। ध्यान रहे, यदि आज अगर हम पराजित हो गए तो फिर पुनः जीवन में सम्मान से अपना सर उठाकर जीने का अधिकार हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। निर्णय अब आप सभी पर है। महिलाओं के स्वाभिमान की लड़ाई में जो जो हमारे साथ है, अपने हाथ ऊपर करिए। हम हैं तुम्हारे साथ। हमें गर्व है तुम पे और महिलाओं के स्वाभिमान की इस लड़ाई में हम तुम्हारे साथ हैं। हम भी आपके 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 साथ हैं। हम सब पंडित रामा कृष्णा जी के साथ हैं। हम साथ हैं। हम साथ हैं। हम साथ हैं। हम साथ हैं। इस महान उद्देश्य में हमें विजय प्राप्त होगी, अवश्य होगी। हम काली माँ की पूजा करके समय बिताएंगे। जय माँ काली, 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 जय माँ काली। अच्छा, तो ये सब पंडित रामा कृष्णा का रचा हुआ चक्रव्यूह है। अरे रो मत, खाना दीजिए मुझे, खाना दीजिए। अब कैसे शांत कराऊं बच्चों को? कहा ना अम्मा आ जाएगी। हे प्रभु, अत्यंत कठिन कार्य है चूल्हा जलाना। कैसे मेरी पत्नी प्रतिदिन चूल्हा जलाती थी। चूल्हे से उठते धुएं की भांति नेत्रों में चुपती रही हैं इन पुरुषों को महिलाएं। और समय का खेल तो देखिए, आज धुएं की भांति महिलाएं इन पुरुषों के जीवन से विलुप्त हो गई हैं। वैद्य जी, मुझको बहुत तेज ज्वर है, आप मुझे औषधि क्यों नहीं दे रहे हैं? अरे कहाँ से दूं औषधि? औषधि जो है जड़ी बूटी से बनती है, और जिन्हें महिलाएं तोड़कर वन से लेकर आती थी तब जाके कहीं बनती थी औषधि। किंतु जब महिलाएं नहीं रही तो औषधि कैसे बने? अरे भैया, अरे भाइयों, हमें क्षमा करें। हमारी पत्नी भोजन बनाती थी तभी हम आपको खाना खिलाते थे। अब हमारी पत्नी नहीं है तो हम कैसे भोजन करवाएं आपको? जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। मुझे शीघ्र अक्का को सूचित करना होगा। तेरी चारुलता यहाँ, इससे तो सब सुन लिया होगा। इन्होंने तो सब सुन लिया है। हमारी योजना विफल हो जाएगी। अब हम क्या करें? धन्य हो, धन्य हैं आप देवी, धन्य हैं। कृपया नीचे पधारिए। आइए। आपको शत शत नमन। धन्य हैं आप, धन्य हैं। धन्य है? क्यों? ऐसा तो क्या किया मैंने? क्या किया है? ये देखिए, इसे कहते हैं महानता। इतना महान कार्य करके भी आप इस कार्य का श्रेय नहीं लेना चाहती। देवी चारुलता, आप महारानी की बहन होकर भी महिलाओं के उत्थान हेतु किए जा रहे इस प्रयास में सहयोग देकर महानता का परिचय दे रही हैं। चारुलता देवी, आपको ज्ञात नहीं है आपको अपने समक्ष देखकर इन महिलाओं में कितनी ऊर्जा का संचार हुआ है। वो देखिए, वो युवती जो अपना विवाह त्याग कर आई है, आपको देखकर उसमें कितना साहस बढ़ गया है। बोलिए, बोलिए श्रीमती चारुलता देवी की जय। बोलो चारुलता देवी की जय। बोलो चारुलता देवी की जय। देखो, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती। यही कहना चाह रही हैं ना आप? तो आपको जाने की आवश्यकता भी नहीं है, कतई आवश्यकता नहीं है। अपितु आप यहीं रहकर इन महिलाओं का साहस बढ़ाइए, इनके साहस में बढ़ोतरी कीजिए। हैं, आइए आइए आइए। हम सबका साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हमारे साथ। जाइए जाइए जाइए। मेरी बहन को प्रजा की दृष्टि में गिराने हेतु तुम और तुम्हारे पिताजी पंडित रामा कृष्णा ये जो भी कार्य कर रहे हो ना, वो मैं कदापि सफल नहीं होने दूंगी। अरे फूल वाली महिला कहाँ चली गई? देवी माँ को अगर फूल नहीं चढ़ाया तो हमको पाप लगेगा। अब इन दंभी पुरुषों को समझ में आ रहा है स्त्रियों का उनके जीवन में क्या स्थान, क्या महत्व होता है। जिन महिलाओं का इन पुरुषों ने कभी मान नहीं किया, जिन्हें कभी कोई सम्मान नहीं दिया, आज उन महिलाओं के बिना कितने निसहाय हो गए हैं। ये तो फिर भी अभी इन्हें पाठ पढ़ाना बाकी है। थाल भर के लड्डू रखे हैं फिर भी ग्रहण नहीं कर रही, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं रोका। बात क्या है अम्मा, बात क्या है? अरे अरे रुको, मारना मत। अरे मारना मत। अरे अम्मा क्या कर रही हो, लग जाएगी। लग जाए अम्मा, रुको। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी अरे अम्मा लग जाएगी, सुनो तो सही। तुम मेरी बात सुनो, हाँ आराम से बैठकर प्रेम पूर्वक बात करते हैं। हाँ हाँ बताओ क्या बात है? शारदा गायब, मुझे नहीं पता। अरे पता है पता है, बताता हूँ। तुम सही सोच रही हो अम्मा, और केवल शारदा के ही नहीं पितु राज्य की सभी स्त्रियों के गायब होने के पीछे मेरा ही हाथ है। अब तुम ही बताओ अम्मा, क्या स्त्रियां मात्र गृह कार्य करने के लिए होती हैं? नहीं ना, क्या वो मात्र बच्चों को जन्म देने और पति की खरी खोटी सुनने के लिए जन्म लेती हैं? नहीं ना, क्या तुम भी ये मानती हो कि यदि स्त्रियां समाज में ना हो तो समाज में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। तो बस तुम्हारा पुत्र स्त्रियों की सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है, उन्हें समाज में उनका स्थान दिलाने का प्रयत्न कर रहा है। और इस अभियान में शारदा भी मेरा साथ दे रही है। हाँ बहुत सारी विपदाएं आ रही हैं इस अभियान में, किंतु कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ। पर गर्व है ना? तो बस अम्मा तुम्हारा आशीर्वाद मेरे सर पर रहा तो मैं इस लक्ष्य में अवश्य सफल होऊंगा। और फिर उन लोगों की आंखों में अश्रु होंगे जो लोग स्त्रियों का सम्मान नहीं करते। माँ तुम्हारी आंखों में अश्रु नहीं होंगे, उन लोगों की आंखों में अश्रु होंगे जो इस रूढ़िवादी सोच को अब तक पाले बैठे हैं। तो लड्डू खाओगी? सारे खाओगी? महारानी ये क्या? आपके नेत्रों से तो अश्रु धारा बह रही है। ओह, आप तो प्यास काट रही थी। अच्छा मामात्य जी आप यहाँ आ गए। आप ना भोजन पकाने में हमारी सहायता कीजिए। वो क्या है ना, हमें भोजन पकाना नहीं आता। महारानी आपको लगता है कि हमको भोजन पकाना आता है? अगर हमें भोजन पकाना आता तो हम आपकी बहन से विवाह करते। देखने से भोजन नहीं बनेगा। सत्य कहा स्वामी ने। पहले लकड़ी डालिए। लकड़ी? मामात्य जी लकड़ी डालिए। अरे कढ़ाई के ऊपर नहीं रखना, कढ़ाई के नीचे रखना है। अब आग जलाइए। कैसे स्वामी? ऐसे। अच्छा हाँ। अब इसमें फूंक मारना पड़ेगा। और तेज, और तेज। रानी माँ, भोजन पकाने की विधि इस पोथी में लिखी है, क्यों ना इसकी सहायता ली जाए। बहुत अच्छा सुझाव दिया है स्वामी ने। सर्वप्रथम घी डालिए। डाल दिया। अब निकालिए। क्यों? क्यों निकाले? अरे सही अनुपात में नाप कर डालिए। कड़छी घुमाइए। महामात्य जी, कड़छी घुमाइए। जी महारानी। कड़छी ऐसे हवा में नहीं घुमानी, किंतु प्याज को कड़छी से घुमाना है। अच्छा। और अच्छे से घुमाइए महामात्य जी। ये क्या कर दिया आपने? सारा भोजन नष्ट कर दिया आपने। रानी माँ कोई बात नहीं, पंडित रामा कृष्णा जी कहते कि कठिनाई चाहे कितनी भी आए, किंतु मनुष्य को साहस नहीं त्यागना चाहिए। अभी तो बारंबार प्रयत्न करते रहना चाहिए। पंडित रामा कृष्णा जी ने सही सीख दी है ना। चलिए एक बार पुनः प्रयत्न करते। हे ईश्वर, कहाँ फंस गए हम? किसी भी प्रकार से मुझे यहाँ से निकलना होगा और अक्का को इस विषय में सख्त सूचित करना होगा। यही सही अवसर है, अभी निकल जाती हूँ यहाँ से। इस गुफा में तो शेर भी हैं, अब कैसे जाऊँ? चारुलता देवी, आप यहाँ अकेले क्या कर रही हैं? और आप ये भयानक गुफा में कहाँ जा रही हैं अकेले? कदाचित आपको ज्ञात तो है ना इस गुफा में ढेरों शेर वास करते हैं, है ना? है ना? हाँ हाँ, वो शेरों की दहाड़ तो मैंने भी सुनी थी। हाँ, वैसे आपने बताया नहीं, आप अकेले कहाँ जा रही थी? मैं वो मैं लघुशंका जा रही थी। हाँ, शौचालय। अरे आप क्यों चिंता कर रही है, हमने सारी महिलाओं के लिए इस गुफा में शौचालय का प्रबंध किया है। आप जाइए ना इनके साथ, इन्हें शौचालय ले जाइए। जाइए जाइए। हाँ चलिए चलिए चलिए। कहाँ फंस गई हूँ मैं, यहाँ से पता नहीं कब और कैसे निकल पाऊंगी। शिकारी का तो शिकार हो गया। तुम मेरा शिकार नहीं हो, तुम प्रेम हो मेरा। और शिकार तो मैं उस चारुलता का करने आया था, कर भी दिया। ऐसा भयभीत होकर भागी है कि अब यहाँ से भागने का विचार भी नहीं करेगी। तो सोचने वाली बात यह है कि चारुलता की अनुपस्थिति में हमारे महामात्य प्रलयंकर जी का क्या हाल हो रहा होगा। घाटा की हालत तो देखने वाली होगी। चारुलता! बता, बताओ हमारी पत्नी चारुलता कहाँ है? हम तुम्हारे प्राण ले लेंगे। बता। क्षमा महामात्य, आप ही विचार कीजिए कि वो कहाँ छिपी हो सकती है। संभव है कि आप पर दृष्टि रखने के लिए यही दीवार बंद कर या कहीं किसी भी रूप में छिपी हो। हम ढूंढते। चारुलता, हम जानते हैं कि तुम इसके अंदर हो, बाहर आ जाओ ना। चारुलता देखो, तुम हमारी पत्नी हो, हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। नहीं हो अंदर तो कहाँ हो तुम? चारुलता देखो, तुम हमें अधिक तंग मत करो। अगर तुम अंदर हो तो बाहर आ जाओ। चारुलता, 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 नहीं, ये तुम नहीं हो सकती। अरे धनीमणि, हमने तुम्हें काजू, बादाम, किशमिश सब मेवे दिए हैं ना, वो समस्त मेवे खीर में डाल देना। जी गुरुजी। और हाँ धनीमणि सुनो, यदि खीर में तनिक भी खराबी हुई तो हम तुम दोनों को इतने कोड़े लगवाएंगे चमड़ी उधर जाएगी। खीर खराब नहीं होगी गुरुजी, अति स्वादिष्ट बनेगी। हाँ। अरे धनीमणि, खीर अभी पकी या नहीं? देख रहे हैं गुरुजी। गुरुजी, अभी आपके खाने योग्य ये खीर नहीं है, अभी इसे और अच्छे से पकाना होगा। पकाओ पकाओ। आए आए। ऐसा प्रतीत हो रहा है भूख के मारे हमारी जान निकल जाएगी। ये तुम दोनों कर क्या रहे हो? गुरुजी चिंतित मत होइए। गुरुजी, हम ये खीर चख कर यही तो सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपके लिए जो खीर बने वो स्वादिष्ट नहीं, अमृत समान अति स्वादिष्ट हो। तब तक हम धनीचार्य दोनों मिलके खीर को अच्छे से चखेंगे, इसका आकलन करेंगे ताकि आपके योग्य ये खीर बन जाए। खाना चखोगे? खीर हमारे योग्य तैयार हुई है नहीं? हाँ गुरु जी, आइए आइए। आप क्या कर रहे थे? चारुलता जी को ढूंढ रहे हैं क्या? भयभीत हो गए क्या पंडित रामा कृष्णा? हम तो अपनी तलवार की धार का निरीक्षण कर रहे थे। आपको क्या लगा? वैसे आप क्या कह रहे थे? कुछ कह रहे थे ना? क्या? हाँ, वो मैं, हाँ मैं तो आपको दरबार में आपको निमंत्रण देने आया था। और मैं आज एक विशेष घोषणा करने वाला हूँ, तो आपका दरबार में उपस्थित होना आवश्यक है। आशा करता हूँ आप अवश्य आएंगे। धन्यवाद। प्रस्थान करने की अनुमति दें। हाँ, और प्रणाम। कैसी होश? महोदय, मेरे बच्चों को जो जो मिष्ठान चाहिए वो इन्हें दे दीजिए। मुझे मिठाई नहीं, मुझे माँ चाहिए। इसलिए लता, इसलिए लता, इसलिए लता, इसलिए लता, इसलिए लता। अरे भाई, क्या आपने मेरी इसलिए लता को देखा क्या? आज मेरा उससे विवाह है। इसने लता, इसने लता। सोहन की अम्मा, सोहन की अम्मा कहाँ चली गई? सोहन की अम्मा। श्री जयेश कृष्णन। रामा जी प्रणाम। प्रणाम रामा जी प्रणाम। बात क्या है? इस प्रकार निर्वस्त्र क्यों घूम रहे हो? रामा जी, मेरा पुत्र भी छोटा है, ये थोड़ी थोड़ी अवधि पे लघु शंका करता रहता है, जिस कारण मेरे समस्त वस्त्र गीले हो गए हैं। मेरी पत्नी भी तो नहीं है, अन्यथा मेरे वस्त्र अब तक धुल के सूख गए होते। प्रणाम रामा जी प्रणाम। सोहन की माँ कहाँ चली गई तुम? अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। ये गुरुवर क्या हुआ सभी पंडितों के साथ? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? अरे घबराए नहीं तो क्या, नृत्य करें। अनर्थ हो गया है पंडित रामा कृष्णा, अनर्थ हो गया है। कैसा अनर्थ? ऐसा अनर्थ हुआ है जो कदापि नहीं होना चाहिए था। वो मंदिर से माँ की प्रतिमा विलुप्त हो गई है। क्या? माँ की प्रतिमा विलुप्त हो गई? हाँ। और बाकी की मूर्तियाँ? वो सब तो है, परंतु दूसरे मंदिर से सरस्वती माँ की मूर्ति विलुप्त हो गई है, जबकि गणेश जी और शंकर जी की मूर्ति यथावत है। अरे हमारे मंदिर से भी माता लक्ष्मी की मूर्ति विलुप्त है, जबकि विष्णु भगवान की मूर्ति वहीं के वहीं है। देखिए देखिए देखिए, क्या अनर्थ हुआ है। वो मंदिर से माँ की प्रतिमा विलुप्त हो गई है। आप तो बड़े ज्ञानी बने फिरते हैं ना, अब बताइए बताइए बताइए, ये कैसे संभव हुआ? कैसे संभव हुआ? मुझे कैसे ज्ञात होगा गुरुवर? सर्वज्ञानी तो आप हैं, आपको ज्ञात होगा, आप बताइए। नहीं नहीं पंडित रामा कृष्णा जी, इन्हें न कभी कुछ ज्ञात था न ही कभी कुछ ज्ञात होगा। वो क्या है ना, आयु हो गई है इनकी, और वृद्धावस्था में तो ऐसा अक्सर होता ही रहता है। हम तो सदैव ही सर्वज्ञानी हैं, हम तो हैं ही सर्वज्ञानी, इसलिए प्रश्न किया है आपसे। उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए। हे काली माँ, क्षमा कर देना, हम सबको क्षमा कर देना। माँ, हम सबको क्षमा कर देना। क्षमा? क्षमा क्यों मांग रहे हैं आप? अरे आपको भी मांगनी चाहिए गुरुवर। आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि मंदिरों से मात्र माँ की प्रतिमा गई है, चाहे वो काली माँ हो, चाहे लक्ष्मी माँ, चाहे सरस्वती माँ। जबकि शिव जी, गणेश जी, हनुमान जी सबकी प्रतिमा वैसी की वैसी ही है। उधर देवी माँ विलुप्त हुई हैं और इधर विजयनगर से सारी महिलाएं विलुप्त हो गई हैं। इसका कारण ज्ञात है आपको? कारण ये है कि विजयनगर में महिलाओं का अपमान हुआ है, उनकी महत्ता को कम आंका गया है। विजयनगर के पुरुषों को लगता था ना कि स्त्रियों के होने ना होने से उनके जीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब देख लीजिए, आप सब भूल गए, देवी माँ भी एक महिला है। रुष्ट हो गई ना वो हम सबसे। देवी माँ रुष्ट हो गई है, फिर तो अनर्थ हो जाएगा। हे भगवान, अब क्या होगा?